हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, यदि आप नेक्स्ट ईयर 2025 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो गाइस इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, आपके क्लास 12th में कितने परसेंट होने चाहिए, गाइस नेक्स्ट ईयर बिहार डीएलएड का फॉर्म कब स्टार्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, गाइस मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है गाइस, और आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अभी से कैसे कर सकते हो, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, ज्यादातर क्वेश्चंस दोस्तों कहां से पूछे जाते हैं, किस बुक से पूछे जाते हैं, एक एक चीज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं गाइस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, आप लोग प्लीज एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो गाइस, अगर आपने क्लास 12th पास कर रखा है, अगर आप ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल से हो तो आपके क्लास 12th में 50% होने चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए, ठीक ना। बाकी उसके बाद जो आपको कॉलेज मिलेगा वो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में जो आप नंबर लाएंगे उसी के आधार पर मिलेगा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। और जो स्टूडेंट एससी एसटी पीएच का डिग्री से है उनके अगर 5% कम भी है, 45% तक है तो भी कर सकते हैं। समझ में आ गया गाइस। अब हम बात करते हैं कि बिहार डीलेट का फॉर्म कब आएगा। तो गाइस बिहार डीलेट का जो फॉर्म है ये नेक्स्ट ईयर 2025 में या तो जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है या आप यही लगा लो कि जो है अप्रैल के आसपास होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो आप अभी से अगर देखा जाए तो आपके पास टाइम तो काफी है, तैयारी कैसे करना है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीजें तो आपको पता चल गया गाइस। तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस 2024 में ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल स्टडी के, हिंदी के, रीजनिंग के, वो प्रीवियस ईयर के 50% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं गाइस। तो देखो 2024 में जितने एग्जाम हुए ना, लगभग एक महीना एग्जाम हुआ है दोस्तों, दो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो 30 दिन के 60 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है। अब गाइस देखो, एक यूनिक पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली बुक आती है, तो आप लोग अभी मत खरीदना, 2025 का आ जाएगा ना तो उसमें प्रीवियस ईयर 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे, तो ये वाली बुक आपको ले लेना है, जुलाई अगस्त तक आ जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कर लेना है। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के कर लेते हो, मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, साइंस के, तो आपकी 50% तैयारी यहीं पर हो गया। बाकी 50% की तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैथ के जो क्वेश्चंस है वो आपके 10th लेवल के पूछे जाते हैं, तो 10th लेवल का ऑल टॉपिक आप कर लेते हो ना मैथ के एनसीईआरटी, तो आपका तैयारी 100% है मैथ का, ठीक ना। इसी तरीके से साइंस के सिलेबस आप देखिए और टॉपिक वाइज आप लूसेंट से या फिर यूनिक पब्लिकेशन की ही बुक्स आप कर सकते हो तैयारी, ठीक ना। बाकी हम आपको तैयारी करवाएंगे, हिंदी में वही टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के अगर आप ऑल हिंदी के क्वेश्चंस कर लेते हो ना, और इसमें रस, अलंकार, छंद, मुहावरे, समास, संधि, इन सभी टॉपिक को कर लेते हो, जो कि सिलेबस का अगर आप डिटेल लिंक देखना चाहते हो ना, मतलब सिलेबस डिटेल वाला, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस में आज तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो वही टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए। आप लिख लीजिए दोस्तों, आप जो है ना 120 में से लिख लीजिए, आप 100 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो, ठीक है ना। तैयारी के तो बारे में इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप अभी से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। बाकी गाइस कुछ डॉट हुआ तो पूछ लीजिएगा। मिनिमम एज लिमिट जो है ये आपका 2025 में जो है ना 1 जनवरी 2025 तक 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट निर्धारित नहीं है। अगर आप 30 ईयर के हैं तो भी कर सकते हो, लेकिन 35 ईयर से ज्यादा एज हो रहा है तो आप मत करो, ओके गाइस। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो एडमिशन स्टार्ट होगा उसके रिगार्डिंग तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। बाकी बुक यूनिक पब्लिकेशन का ही अच्छा है, और प्राइवेट कॉलेज की फीस यहाँ पर 1,20,000 रुपये होता है, तो अभी से तैयारी करोगे गाइस तो आपका फीस भी बचेगा, और जो स्टूडेंट इतना फीस नहीं पे कर सकते तो वो गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेना, 20,000 रुपये फीस लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, और जो रिजर्व कैटेगरी से उनका तो 15,000 रुपये ही लगेगा, ठीक ना। बाकी कुछ डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, सो थैंक यू नेक्स्ट, मिलते हैं।